आज मैं क्लास फाइव के लिए पाठ्य पुस्तक लेकर आई हूँ। इससे पहले हम लोग व्याकरण पढ़े थे, पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़े थे। आज से हम लोग आप सबके बीच, यह है आपका बुक, किताब है क्लास फाइव का लेसन वन, हम कुछ करके दिखलाएंगे। आज हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में हम कुछ करके दिखलाएंगे। इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता में यह बताया गया है कि बच्चों को, गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति कुछ ऐसा करके दिखाना है जो कि उन सबको मदद के रूप में मिल सके। यह कविता प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इस कविता में बच्चों, बेसहारा, गरीब, जिसके ऊपर कोई छाया न हो, उन्हें मदद करने का संकल्प लेते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता में क्या है। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चों का कहना है, यही मेरा शौक है कि हम कुछ ऐसा करके दिखलाएं कि जो कि मरने के बाद भी हमारा नाम जो है अमरों में लिखवाया जाए। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चों का कहना है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके ऊपर कोई छाया नहीं है, हम उन्हें गले लगाएंगे, उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे में रहते हैं, अपनी नजर में अपने को पहचान नहीं पाते हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह बनाएंगे। जो हार कर या सोच कर बैठे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, उनके दिमाग में हम ऐसा भरेंगे कि ऐसा उत्साह भरेंगे कि वो कुछ करने को तैयार हो जाएं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बच्चे यह कहना चाहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो देश के प्रति अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनका मान बढ़ाएंगे और उनके जैसा अपने नाम को कमाएंगे। यह था कविता और इसी के आधार पर इसमें कुछ शब्दार्थ लिखा हुआ है, आप सबको हम दे रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखें। पहला है, यहाँ है शब्दार्थ। पहला है अरमान, दूसरा है उत्साह, तीसरा है अमर, चौथा है धुन, पांचवा है उद्यम, छठा है मान और सातवां है जल। अरमान का मतलब होता है इच्छा, उत्साह का मतलब होता है जोश, उमंग। अमर का मतलब होता है न मरने वाला। धुन का मतलब होता है लगन, उद्यम, परिश्रम, मेहनत। मान का होता है आदर और जग का होता है संसार। यह आप सबको याद करके आना है, जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग चेक करेंगे और सुनेंगे। आज के लिए इतना ही।